हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसे पाकिस्तान के ही एक रिटायर्ड एयर कॉमोडोर जमाल हुसैन द्वारा सजेस्ट किया गया है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि JF-17 कितना केपेबल है, लेकिन क्योंकि हम सब इंडियंस हैं तो हमारी बातें हमारे पड़ोसियों को कुछ ज़्यादा ही चुभ जाती हैं। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान के ही एयर कॉमोडोर द्वारा ये बात एक्सेप्ट की गई है, तो इसे डिटेल में समझना जरूरी है, जहां पर उनके द्वारा ये बात क्लियर की गई है कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन JF-17 थंडर में मात्र 10-14% तक की है, जो कि वैसे तो ऑलरेडी नोन है, लेकिन हमारे प्यारे सुरचिंतक हमारे कमेंट बॉक्स में आके ये बोलते रहते हैं कि तेजस का इंजन USA का है, रडार इसराइल का है, इजेक्शन सीट UK का है और वेपन फ्रांस, रशिया और इसराइल से है। हालांकि उन्हें इनमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, लेकिन उनके रेफरेंस के लिए ये बताना चाहेंगे कि भारत का कंट्रीब्यूशन और भारत का इंडिजीनियस कंटेंट का मात्रा तेजस में 68% की है। वहीं इसकी जो रडार है वो इंडिजीनियस लगने वाली है। वेपन पैकेज इसके पूरे के पूरे इंडियंस हैं और यहाँ पर जो वेपन है उसमें फ्रांस, रशिया और इसराइल के वेपन्स को इसलिए इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि एक्सपोर्ट मार्केट में कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। वहीं पर पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन 10-14% का अपने JF-17 थंडर में है, तो वो बस उसे असेंबल करने और एक दो पार्ट बनाने को लेकर ही है, क्योंकि जो मेन पार्ट है उसे या तो चाइना बनाता है या फिर उसे रशिया से एक्वायर कर लिया जाता है। वहीं पर JF-17 थंडर को लेकर एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तानियों के मन में ये भी है कि ये बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जबकि तेजस अभी तक अपने ऑर्डर फेज में ही है। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके पीछे जब हम रीजन ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि JF-17 बस एक एयर डिफेंस फाइटर जेट है, जिसमें बस डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं और ये ऑफेंसिव रोल नहीं कर सकता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद पाकिस्तान के एयर कॉमोडोर साहब बोल रहे हैं, और जिसके कारण JF-17 बहुत सारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ आती है और इससे इसका प्राइस बेहद ही कम होकर 25 मिलियन तक आ जाता है। और ऐसे कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा बजट का यूज़ नहीं करते या जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है अपने मिलिट्री को सर्व करने के लिए, तो वो ऐसे फाइटर जेट को एक्वायर कर लेते हैं। तो अब तक JF-17 थंडर के टोटल 3 वेरिएंट बनाए गए हैं, JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्लॉक 3, जहां पर JF-17 ब्लॉक 1 एक लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ PAF ने अपने बेड़े में इंडक्ट किया है। ब्लॉक 2 में ब्लॉक 1 से थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। वहीं ब्लॉक 3 इनका फाइनल वर्जन फाइटर जेट होगा। वहीं अगर इसे तेजस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो तेजस का IOC वेरिएंट ब्लॉक 1 होगा, FOC वेरिएंट ब्लॉक 2 होगा और तेजस MK-1A ब्लॉक 3 होगा, यानी कि फाइनल वेरिएंट। तो इंडियन एयरफोर्स IOC और FOC वेरिएंट तेजस के सिर्फ 40 यूनिट को ही अपने बेड़े में इंडक्ट की है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अपने कैपेबिलिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगी, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी डिपेंडेंसी F-16 से कम करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर में, लगभग 100-150 के नंबर में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अपने बेड़े में इंडक्ट कर चुके हैं। जबकि ये दोनों ब्लॉक के फाइटर जेट ऑफेंसिव रोल में केपेबल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी नहीं है और लिमिटेड केपेबिलिटी होने के कारण इसका कॉस्ट भी कम है, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री को सूट भी करता है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 एक डिसेंट फाइटर जेट है, जिसमें AESA रडार, बेहतर एवियोनिक्स और बेहतर वेपन का भी यूज किया गया है और जिसके कारण इसका कॉस्ट 50 मिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि तेजस MK-1A का कॉस्ट इस वक्त 42 मिलियन है और ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से लगभग 8-10 मिलियन कम है। तो जब हमारे पड़ोसी JF-17 को तेजस से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो जज्बात में आके बस नॉर्मल चीज़ों का कंपेयर कर देते हैं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल ही अलग है। तो जब कोई भी कंट्री खुद का फाइटर जेट बनाती है, तो उसे डिफेंसिव और ऑफेंसिव रोल में ऑपरेट करने के लिए बेहतर वेपन पैकेज से इक्विप्ड करती है। और यहाँ भी पाकिस्तान का JF-17 थंडर तेजस से काफ़ी पीछे है, क्योंकि तेजस के पास वैरायटी ऑफ वेपन्स मौजूद हैं, जिनमें रशियन, अमेरिकन, इजरायली, फ्रांस और इंडियन वेपन पैकेज शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर बोला जाएगा कि PL-15 मिसाइल का क्या, तो PL-15 मिसाइल JF-17 ब्लॉक थंडर में यूज़ किया जाना है, जिसकी रेंज ऑफिशियली 145 किलोमीटर का है। वहीं पर तेजस को अस्त्रा MK-2 मिलने वाला है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की होगी। तो यहाँ भी तेजस JF-17 से बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान द्वारा एक बड़े नंबर में JF-17 को इंडक्ट किया गया है, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन लाइन काफ़ी बेहतर हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा IOC और FOC के बदले तेजस MK-1A यानी कि फाइनल प्रोडक्ट के 83 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिससे कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और इंडियन एयरफोर्स एक लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ फाइटर जेट इंडक्ट नहीं करती। ओवरऑल JF-17 का मुकाबला तेजस से तो बनता ही नहीं है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।